आदरणीय श्री गाड़गिल जी, आदरणीय बाबा साहेब, छत्रपति साहू जी, मंचस्थ सभी गणमान्य वरिष्ठ महानुभाव, उपस्थित संस्कृत प्रेमी भाइयों और बहनों, गाड़गिल जी सपने भी संस्कृत में देखते हैं। और सपने सिर्फ संस्कृत के ही देखते हैं। यहां इतने बड़े वरिष्ठ लोग सब बैठे हैं, मैं उन सबसे प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे ऐसे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं गाड़गिल जी के सपनों को पूरा करने के लिए काम आऊं। और मुझे भरोसा है आप लोगों पे कि आपके आशीर्वाद में जरूर दम होगा। आपके आशीर्वाद जितने दम वाले होंगे, परिणाम भी उतना दमदार निकलेगा। गाड़गिल जी से मेरा परिचय पिछले एक दो वर्ष से हुआ है, लेकिन इस प्रकार के व्यक्तित्व से मेरा परिचय अलग अलग प्रकार से हुआ है और मैं उन सब में समानता का अनुभव कर रहा हूं। और इसलिए अगर मैं जिन महापुरुषों के निकट परिचय में था उनके संबंध में अगर मैं कुछ कहता हूं तो आप लोगों को यही लगेगा कि मैं गाड़गिल जी के लिए बोल रहा हूं। इतनी समानता नजर आती है। हमारे यहां केका शास्त्री जी करके एक बहुत बड़े विद्वान हो गए, 102 वर्ष उनकी आयु थी। वे जब 85 के थे तब मैं उनसे झगड़ा करता था कि अब तो साइकिल चलाना बंद करो। वो साइकिल चलाना छोड़ते नहीं। कितना परिश्रमी जीवन जिसका आप अंदाज कर सकते हैं। 250 से अधिक ग्रंथ लिखे थे, किताबें नहीं, ग्रंथ 250 से अधिक। और एक बार मेरे मन में हुआ कि वो पुष्टि मार्ग की परंपरा के थे तो मैं उनको जरा यात्रा कराने ले जाऊं। मैंने उनसे आग्रह किया कि आप एक 7 दिन निकालिए, मैं आपको राजस्थान में जो जो पुष्टि मार्गीय परंपरा के स्थान है वहां तीर्थाटन के लिए ले जाना चाहता हूं। खैर, बहुत आग्रह करने के बाद उन्होंने मेरी बात को माना। मैं उनको लेके गया और कार्य कैसे करते थे, अगर कहीं रेलवे के कारण क्रॉसिंग अगर बंद है, ट्रेन आने का समय है, तो 3 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट में ट्रेन आ जाती है। उतने समय में भी वो झोले से कागज निकालते थे और लिखना शुरू कर देते थे। जैसे क्रॉसिंग खुलता था, ट्रेन गाड़ी चलती थी, तो एकदम से अपना गाड़ी सामान कार में रख करके फिर यात्री के रूप में चल देते। यानी पल पल का उपयोग इस प्रकार के विद्वत जन और जीवन को जिन्होंने इस काम के लिए खपा दिया है वो कैसे करते हैं। और जब से मैं गाड़गिल जी के परिचय में आया हूं,
मैंने एक बार, मेरा मन कर गया था कहने का, क्योंकि मैं उनके दामाद से बहुत परिचित हूं, तो मेरा मन कर गया था कि मैं उनको कुछ कहूं। मेरा मन करता था, मैंने पूछना चाहता था, आपको चलना नहीं सिखाया क्या किसी ने? मेरे मन में उनके लिए एक प्रश्न आया था कि आपको आपके माताजी पिताजी ने चलना नहीं सिखाया क्या? दौड़ते ही है, आपने देखा होगा है, मैं बराबर से दौड़ते ही है। इस आयु में भी उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, जिस प्रकार से उमंग उत्साह से भरा हुआ उनका जीवन है, वो हर किसी को प्रेरणा देने वाला जीवन है। और संस्कृत के प्रति समर्पण अपने आप में, ये बात निश्चित है कि दुनिया में इसी प्रकार की मन की रचना वाले लोग, इसी प्रकार से समर्पण करने वाले लोग ही समाज जीवन को उस रास्ते पर ले जाने के लिए मजबूर करते हैं। और गाडगिल जी वो एक शख्सियत है जो हम सबको संस्कृत के रास्ते पर ले जाने के लिए मजबूर करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। मित्रों, गुजरात में स्वाभाविक है, गुजरात से आज दिनों हर किसी की अपेक्षाएं हैं। कंप्यूटर में काम करना है तो विजय भी चाहेंगे गुजरात में हो। तो गुजरात में अलग संस्कृत यूनिवर्सिटी बनाई है हमने, और सोमनाथ तीर्थ स्थान पर वो यूनिवर्सिटी कार्यरत है, और बहुत बड़ी मात्रा में देश भर से स्टूडेंट्स वहां आते हैं। पीएचडी तक का प्रावधान है, और एक बहुत अच्छा काम, और गाडगिल जी का भी उसके साथ काफी निकट संबंध रहा है, काफी अच्छा काम हो रहा है। जब महाराष्ट्र के 50 साल हुए, उसी समय गुजरात के भी 50 साल हुए, क्योंकि दोनों का जन्म एक साथ हुआ था। हमने उस गोल्डन जुबली ईयर को एक विशिष्ट रूप से मनाने का तय किया था। उसमें अनेक प्रकल्प थे, उसमें एक हमारा सपना था कि 1,00,000 लोग संस्कृत बोलना शुरू करें, संस्कृत सीखें, और एक पूरे साल भर अभियान चलाया था, और राज्य में 1,00,000 व्यक्ति, मतलब 1,00,000 परिवार, मतलब कि लगभग 8-10 लाख लोग संस्कृत में बातचीत करना शुरू कर दिया। और मित्रों, हम अपनी मातृभाषा को कोई क्लासरूम में थोड़ा सीखते हैं, अपनी मातृभाषा को हम उसको कैच करते हैं। अपने घर में भी अगर कोई नौकरानी काम करती है, कुछ पढ़ी लिखी नहीं, लेकिन टेलीफोन आया तो उठाती है फोन, क्या बोलती है? हेलो। उसे मालूम है क्या हेलो का मीनिंग क्या होता है? कुछ मालूम नहीं है। लैंग्वेज इज टू कैच। ये संस्कृत का भी ऐसा ही है। सहज अगर हम में से करीब सबको 80-90% तो गाडगिल जी का भाषण समझ आया ही होगा, और जब भाषण सुना होगा तो लगा होगा हाँ यार, ये तो बड़ा सरल है। लेकिन आप देखिए, था हमारा देश आजाद हुआ, झंडा तो बदला, शासक भी बदले, लेकिन मनस्थिति नहीं बदली। और उसका नतीजा क्या हुआ? जर्मनी में संस्कृत में रेडियो पर समाचार आते थे, हमारे देश में नहीं आते थे, बहुत देर से आए। अभी बीच में एक संस्कृत समाचार दूरदर्शन और रेडियो से बंद करने की चर्चा चल रही थी, और इसलिए एक बार कोई सुनता नहीं है। दुनिया भर के एडिटोर लिखे जाएंगे, मोदी आए थे, बोल रहे थे वैदिक मैथमेटिक्स, और ये सारे हिंदुस्तान को पीछे ले जाने की कोशिश कर, तो पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। और मजा ये है कि लंदन में ऑफिशियली वैदिक मैथमेटिक्स पढ़ाने का तय किया जाता है। उनको लगता है कि भाई इतना बड़ा अद्भुत ज्ञान का
सागर है, हम क्यों अपने बच्चों को वंचित रखें उससे? लेकिन हमारे यहां अगर कुछ हुआ तो, अभी इंडोनेशिया में नेवी का सूबा की चर्चा हो रही थी, मित्रों मुस्लिम देश है, उसकी करेंसी पर गणेश जी की फोटो है, इंडोनेशिया की जो करेंसी नोट है उस पर गणेश जी की फोटो है। अगर हमारे यहां कोई सोचे तो पता नहीं क्या तूफान खड़ा हो जाए। यानी इस गुलामी मानसिकता के क्या परिणाम हुए हैं जिसका आप अंदाज कर सकते हो? उसको हमें अपना भुला देना, यानी लॉर्ड मैकालो की इच्छाओं को पूरा करने वाले लोगों की संख्या कम नहीं है। गाड़गिल जी के सपनों को पूरा करने के लिए पता नहीं कौन मिलेगा मालूम नहीं, लेकिन मैकालो के सपनों को पूरा करने वाले हर गली मोहल्ले में मिल जाते हैं। इतने बड़े संघर्ष की अवस्था में से हमारा देश गुजर रहा है। तो भाषा की अपनी समृद्धि है, अपना सामर्थ्य है, अपनी विरासत उसमें भरी पड़ी है। हम अपने आप को देखने के लिए उसी को एक आईने के रूप में उपयोग कर सकते हैं। भाषा का वो सामर्थ्य होता है। और कौन कहता है 50 भाषा सीखो, कौन मना करता है? कोई मना थोड़ा करता है, लेकिन माहौल तो बनाओ। लेकिन उस माहौल से ही हमारे देश की युवा पीढ़ी को देश आजाद होने के बाद वंचित रखा जाए। और उसके कारण हमारी अपनी जो धरोहर है जिसमें से हम प्राण तत्व प्राप्त कर सकते हैं, उस प्राण तत्व पाने के रास्तों को ही रोक दिया गया है। और जैसे गाड़गिल जी कह रहे थे, ये संस्कृत की चर्चा करते हैं, भाषा की चर्चा नहीं है जी। हम कभी किसी के कपड़ों की चर्चा करते हैं तो सिर्फ फैब्रिक और उसका टेलर और कटिंग उसकी चर्चा नहीं होती जी, उस व्यक्ति के आते ही उन कपड़ों के साथ उसकी परंपराओं का परिचय होता है, उसके घर के संस्कारों का परिचय होता है। भाषा के भी वो ताकत होती है जी, हजारों साल की अपनी परंपराओं का दृश्य होता है। और आपने देखा होगा जब पहली बार रामायण सीरियल ने हिंदुस्तान के मन मंदिर पर कब्जा कर लिया था और उसमें काफी संस्कृत शब्द आते थे रामायण टीवी सीरियल का, और प्रभाव यह था कि बच्चे भी घर में खाना खाने के लिए पिता को बुलाते थे तो घर में बोले पिताश्री मातोश्री, ऐसा आपको याद होगा। क्या प्रभाव था पूरे घर में, यानी एक टीवी सीरियल ने राम जी के काल में जो भाषा प्रयोग होती थी घर घर में प्रवेश कर गया था। लेकिन फिर लोगों को लगा कि अगर इस प्रकार से राम जी घुस गए तो पता नहीं क्या हो जाएगा। छोटी सी अच्छी घटनाओं का कितना परिणाम होता है जिसका हम अंदाज कर सकते हैं। मतलब हमारे यहां एक कॉलेज में एक कोर्स हमने शुरू किया, तो हमारे यूनिवर्सिटी में चलता है, यहां आपके यहां एक MIT की चर्चा हो रही है, हमारे यहां एक चलता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेंपल मैनेजमेंट IITM। अब किसी को लगेगा कि मोदी क्या कर रहा है। मित्रों आज हमारा टेंपल मैनेजमेंट भी एक बड़ा साइंस है, हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, भुला दिया गया था। और परिणाम क्या हुआ, हमारी जो पहली बैच हुई है 20-22 लड़के थे, इन 20-22 को दुनिया के भिन्न भिन्न देशों में बहुत हैंडसम सैलरी के साथ जॉब मिल गया, क्योंकि मंदिर बना दिए थे, व्यवस्था करने वाला नहीं था। तो अब मेरे यहां उस कोर्सेज में बड़ी मात्रा में लड़के आ रहे हैं, सबको लग रहा है ये भी एक बहुत बड़ा अच्छा काम है, कर सकते हैं। अब वो सीख रहे हैं लोग, कर रहे हैं। मतलब मेरे लिए आज आने के अवसर की एक सबसे बड़ी जो प्रेरणा थी वो प्रेरणा प्रोफेसर जोशी ने जो काम किया है, उनको वंदन करता हूं, उनको अभिनंदन करता हूं। मित्र हमारे देश की जो मान्यता है उन मान्यताओं को
ध्वस्त करने का बहुत बड़ा काम प्रोफेसर जोशी ने किया है। संस्कृत यानी एक ही वर्ग की भाषा, यह भी मन बन गया था, यह तो देव भाषा, फिर माना गया ब्राह्मणों से ही जुड़ी हुई है, इसको तो ना कोई सुन सकता है ना छू सकता है, इतनी विकृतियां आ गई थी हमारे यहां। ऐसी विकृतियों के बीच ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ प्रोफेसर जोशी, वो अंबेडकर का जीवन संस्कृत महाकाव्य में लिखे, ये देश के लिए बहुत बड़ी बात है, मैं इसलिए बधाई देता हूं। और मित्रों, आनंद तो इस बात का है, ये प्रज्ञा चक्षु हमें प्रज्ञा दे रहा है। हमारे भीतर की अंतर मन की आंखों को खोल रहा है। और मैं मानता हूं कि संस्कृत में डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर का यह महाकाव्य समाज को ज्ञान से भी ज्यादा एक नई दृष्टि देगा, ज्ञान से भी ऊपर की बात है। ये सामर्थ्य इस प्रयास में है और मेरे आने की मूल प्रेरणा यही थी कि संस्कृत में डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर के जीवन का एक महाकाव्य आ रहा है, ये बहुत बड़ी सेवा है। और मैं देख रहा था गाड़गिल जी जब इस काम के लिए मैं आग्रह कर रहे थे, इनका भी इतना मन लग गया था इस काम में कि ये एक काम में तो आपको आना ही है। मैं समझता हूं कि बाबा साहेब आंबेडकर को जानने के लिए कई रास्ते होंगे, बहुत साहित्य भी उपलब्ध होगा, लेकिन उसका संस्कृत में होने का एक अलग मैसेज है, एक अलग अलग समाज को जोड़ने की उसमें ताकत है, सामाजिक समरसता के मंत्र को एक बल मिलता है। और उस अर्थ में प्रोफेसर जोशी ने जो काम किया है वो वंदनीय है, अभिनंदनीय है कि उन्होंने समाज को एक नई दिशा देने का एक बहुत बड़ा काम। भाइयों बहनों, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है, एक विचार के लिए, एक सपने के लिए जीवन खपा देने वाले ऋषितुल्य गाड़गिल जी का अभिनंदन करने के अवसर पर मुझे आने का अवसर मिला, उनके चरण स्पर्श कर करके आशीर्वाद पाने का सौभाग्य मिला। और हम सब प्रार्थना करते हैं कि आने वाले अनेक वर्षों तक इसी उमंग और उत्साह के साथ वे हम सबको संस्कृत के प्रति जोड़ते रहें, हमारे सपने भी संस्कृत में हो और हम भी संस्कृत के लिए सपने देखना शुरू करें, ये हमें शक्ति मिले, इसी एक अपेक्षा के साथ आप सबने मेरा सम्मान किया, आदर किया, मैं आप सबका बहुत आभारी हूं, धन्यवाद।